हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 मॉक्स एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है CDS 2023 एग्जामिनेशन के लिए। आपने बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे, मैराथन क्लासेस देखी होंगी करंट अफेयर की, नो डाउट बहुत डिटेल में करंट अफेयर की मैगजीन्स भी पढ़ी होंगी। सिर्फ ये वीडियो जो है आप देखने के बाद आपका सारा करंट अफेयर मार्च से लेकर जुलाई तक का जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला है सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मेनली हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आपके आते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो है आपके आए हैं। और मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, मेरी वो आदत नहीं है कि 10 मिनट की क्लास को एक एक घंटा खींचना जस्ट बिकॉज ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए। मैं टू द पॉइंट बात करूँ और किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा उसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फ्रेंच ओपन के बारे में, टेनिस का एक टूर्नामेंट है। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि किसने जो है फ्रेंच ओपन मेंस टाइटल जीता है। विनर का नाम है नोवाक जोकोविच। वुमेन की अगर बात करूँ तो इगा स्वेताएक जो है ये एक प्लेयर है आपके जो कि विनर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग कुछ अलग अलग टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन आपका होता है। ये चार इंपॉर्टेंट टेनिस के टूर्नामेंट है जिनका आपको पता होना चाहिए। नोवाक जोकोविच और इगा स्वेतेक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इगा स्वेतेक जो है वो पोलैंड से हैं और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से हैं। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, और रनर अप का भी कई बार पूछ लेते हैं तो याद रखना है। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में जो है कैस्पर रूड को हराया था, और वुमेन के अंदर जो है इगा स्वेतेक ने जो है कैरोलिना मचोवा को जो है हराया था। इसके बाद आपका आता है मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 मैन सिंगल टाइटल का जो है जीता है सी अल्कराइज गार्फिया, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और वुमेन का टाइटल जीता है ए सबलिंका बेलारस ने। अब देखिए नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट बिलीव मी आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपको नाम याद जो है आएंगे। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। बस ये इगा स्वेतेक में जो है कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है और रनर अप रही हैं ये मैड्रिड ओपन के अंदर, ठीक है। इटालियन ओपन की अगर बात करूँ तो डेनिल मेडलिव करके जो है प्लेयर हैं रशिया के, इन्होंने जो है टाइटल जीता है। वुमेन के अंदर एलिना रबिकाना जो है कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है टाइटल जीता है। रनर अप जस्ट फॉर द रेफरेंस आप एक बार याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिनका नाम है टोरी बाउई। इनकी जो है डेथ हो जाती है जिसका सर्कमस्टेंस जो है अभी तक पता नहीं चला है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि टोरी बाउई जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनकी हाल फिलहाल में जो है डेथ हुई है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियन जो है यूएसए के एक प्लेयर है, उनका नाम बताइए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। एक और दोस्तों एक और चीज़, कोई नोट आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, फ्री PDF जो है स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्लीज़ नोट्स मत बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने बैठोगे बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 13 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। इसके अंदर चार जनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, लवलीना बोरगेन, नीतू गनगस, निखत जरीन और स्वेती बुरा। इनके नाम आपको याद रखने दोस्तों। स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर ये हुआ था। विनर जो है मेन कैटेगरी के जो है वटरनेबल कोकी, और जो वुमेन है वो है पोनपाई चोंगझुंग, जो भी इनका नाम है थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप देख लेना इसको, ठीक है। बाकी ये डबल मैन का टाइटल जो है ये भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। रीजन बिंग इस टाइटल के अंदर जो है इंडिया के खिलाड़ी जो है इन्होंने जीता है, तो ये जो है आप इसको प्लीज़ जरूर जो है कंसिडर करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चंद्रयान 3 के बारे में, बहुत न्यूज़ में था, डेफिनेटली क्वेश्चन जो है चंद्रयान के ऊपर आपका आ सकता है इस बार। तो चंद्रयान की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। ये जो इसको लेके जाने वाला था उसका नाम है GSLV Mark 3। उसके बाद इसके अंदर जो है एक लैंडर था जिसका नाम है विक्रम। तो UPSC ने पहले भी चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि विक्रम जो है वो क्या है, लैंडर है, रोवर है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो याद रखना है विक्रम जो है लैंडर है, इसका नाम जो है विक्रम साराभाई के ऊपर जो है रखा गया है। एक लूनार ऑर्बिटर था इसके अंदर, और एक प्रज्ञान रोवर था जिसके अंदर 6 टायर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है सोलर की कुछ प्लेट्स इसमें लगी हुई है ताकि ये जो है लाइट्स लेके खुद को चार्ज कर सके यहाँ पे, ठीक है। चंद्रयान 3 का जो एम है वो है इंडिया की कैपेबिलिटी शो करना लैंडिंग और एक्सप्लोरिंग में मून के साउथ पोल पे। इससे पहले जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना जो है इस पर्टिकुलर लैंडिंग को जो है कर चुके हैं सक्सेसफुली, और इंडिया जो है फर्स्ट नेशन बना है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि मून के साउथ पोल पे जो है गया है। ऑल्दो ये न्यूज़ अभी की है, हाल फिलहाल की है, बट ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, याद रखना है आपको। इन्होंने एक ड्रोन का नाम है प्रीडेटर
MQ-9B रीपर ड्रोन। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि प्रेडेटर MQ-9B रीपर ड्रोन जो है इंडिया ने कौन सी कंट्री से लिए हैं, USA से लिए हैं दोस्तों, ठीक है। कैपेबिलिटी की बात करें तो मैरिटाइम सर्विलियंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ओवर द होराइजन टारगेट करता है। अदर कैपेबिलिटी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए क्या है ना, हर एक चीज़ को मैं अगर आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का बनेगा। मेरा जो मेन काम है वो है टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देना, जहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन सके, ठीक है। इसके अलावा जो है और इंपॉर्टेंट ड्रोन कौन कौन से हैं, AI हेरोप जो है वो इसराइल का है, हेरोन जो है ये भी इसराइल का, DRDO का रुस्तम, DRDO का लक्ष्य और DRDO का घातक ही इंडिया के आपके। बाकी एक दो चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर जो है PDF में पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका गांधी पीस प्राइज जो है वो किसको दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। काम उनका देख सकते हो किस काम के लिए दिया गया है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर थोड़े ज़्यादा हैं और कम टाइम में हम इनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्पेस हमें जो है मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है इंडियन राइटर प्रिया AS को ये दिया गया है। चिल्ड्रन लिटरेचर इन मलयालम फॉर हर 2018 नॉवल, जो भी इनका नाम है, इसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पद्मश्री एक व्यक्ति हैं पंडित पूर्णादास बहुल, इनको जो है ये प्राइस दिया गया है। रीज़न उसका ये है प्राइस देने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी, उन्होंने लॉन्च किया है मैस्कॉट जिसका नाम है मोगा, और ये जो है एक इंडियन बिसोन को जो है जिसको गोर बोला जाता है, स्टेट एनिमल है गोवा का। 37th नेशनल गेम्स जो है गोवा के अंदर आपके होने वाले हैं, उसके लिए जो है ये मैस्कॉट इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। 36th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का वो हुआ था गुजरात के अंदर दोस्तों आपका, और नेशनल गेम जो है इंडिया के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है, और ये जो है गटका एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है दोस्तों, जो कि पंजाब से बिलोंग करता है, इसको भी जो है 37th नेशनल गेम्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा जो है गेम नया एड इसके अंदर किया गया है, तो गटका जो है आपको याद रखना जो कि पंजाब से है, और PT Usha जो ये जो है प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अब देखिए जितने भी मैंने इसके अंदर डाले हैं वो सभी के सभी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ के जरूर जाइए। और मेरा बिलीव है CDS 2 2023 या फिर NDA 2 2023 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पूरे PDF से देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है बुकर प्राइज़ के ऊपर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, इसके लिए जो है 2 जनों को प्राइज़ दिया गया है, जॉर्जी गोस्पोंडिव जो है जिनका नॉवल है टाइम शेल्टर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो कि इस व्यक्ति को दिया गया है कौन से नॉवल के लिए दिया गया है, तो नाम याद रखना है टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। इसको ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडेल ने, और इनको जो है प्राइज़ दिया गया है, फर्स्ट टाइम है एक बल्गेरियन नॉवल को जो है नॉमिनेट किया गया है इस लिटरेरी ऑनर के लिए, ठीक है। तो नाम याद रखना है जॉर्जी गोस्पोंडिनिव, जो भी इनका नाम है, और एंजेला रोडेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका इसरो का एक इनिशिएटिव है, नया इनिशिएटिव इन्होंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए लॉन्च किया है पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिजिक्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टार्ट। पूछेंगे स्टार्ट इनिशिएटिव कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, इसरो का है, DRDO का है, या कोई और मिनिस्ट्री का, तो नाम याद रखना है स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है CAPF के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहला है आपका मैस्कॉट जो कि नाम है जीतू, जो कि बारासिंगा को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। उसके बाद ये जो है 2022 के अंदर इसका अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अलग अलग इसमें फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे किसने कितने गोल्ड मेडल जीते ये वो, तो ये सब डिटेल जो है आप वीडियो पॉज करके या फिर PDF से जो है पढ़ सकते हो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी अजय बंगा 14th प्रेसिडेंट इनको बनाया गया वर्ल्ड बैंक का, प्रीवियसली ये CEO ऑफ मास्टर कार्ड थे, इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। मार्क निकोलस जो कि फॉर्मर इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। राजनाथ सिंह जी ने कंट्री का पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर जो है चंडीगढ़ के अंदर खोला है। इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम इन्होंने जो है सुपरमेसी बनाई है अपने राइवल पाकिस्तान को हरा के एशिया कप चैंपियन जो कि ओमान में हुआ था। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री ने जो है जूनियर मेंस हॉकी टीम का टाइटल इंडियन टाइटल जीता है और किस कंट्री को हरा के जीता, पाकिस्तान को हरा के जीता है, ओमान में मैच हुए थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, ठीक है, MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी ने जो है इंग्लिश प्लेयर हीटर नाइट, इयोन मॉर्गन और इंडिया की जो है जुलन गोस्वामी को जो है ऐड किया है इन्होंने इस कमेटी के अंदर, ठीक है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यशस्वी जायसवाल, इन्होंने फास्टेस्ट IPL कि जो 50 है वो 13 बॉल में जो है सिक्योर किए, नाम पूछा जा सकता है। FC बार्सिलोना ने जो है 27th ला लीगा टाइटल जो है जीता है इस बार। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी ने जो है आपका जूले लद्दाख प्रोग्राम है उसको जो है
लद्दाख के लोगों के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम है ताकि उनको मोटिवेट कर सके कि आओ आप इंडियन नेवी को जो है ज्वाइन करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लुसाने या लुसान जो भी है, डायमंड लीग स्विट्जरलैंड के अंदर जो हुई है 2023 के अंदर, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हमारे नीरज चोपड़ा जी जो हैं बने हैं, ठीक है। 12th एडिशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्यूविरिन जो है वो इंडियन आर्मी और मालदीव्स के बीच में हुई है, चौबटिया उत्तराखंड के अंदर, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एक लेक जो है काफ़ी न्यूज़ में थी, हैवी रेन्स विंड स्टॉर्म फ्लड वगैरह के कारण, जिसका नाम है आपका लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर करती है लेक विक्टोरिया को, तो नाम याद रखना है केन्या है, युगांडा है और आपके तंजानिया है, ये आपकी लेक है, ठीक है। उसके बाद केन्या की कैपिटल है नैरोबी, युगांडा की है कंपाला, तंजानिया की है डोडोमा, राइट। कागेरा रिवर जो है इसके अंदर ड्रेन करती है। क्या आपको किगाली एग्रीमेंट का कभी आपने नाम सुना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किगाली एग्रीमेंट जो है किस चीज़ के रिगार्डिंग है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, जो कि आपका तंजानिया में पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीडीएस में इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अभी इलेक्शंस हुए थे नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो जनरल असेंबली में कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो कि नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी से अपना 2 ईयर का सर्विस पीरियड जो है स्टार्ट करेंगी। इंडिया ने इसे अभी जनवरी में शुरू किया था, तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाले जो टर्म के लिए किन किन को चुना गया है, अल्जीरिया को चुना गया है, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोनी और स्लोवेनिया, ये पांचों नाम आपको रट लेने हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, या फिर कौन सी कंट्री है, अलग अलग पांच कंट्री का एक ऑप्शन देंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, June 5 को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, थीम थी इस बार सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन और कैंपेन का नाम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद June 8 को जो है वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, थीम थी द प्लैनेट्स ओशन चेंजिंग टाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका, इंडिया का जो फर्स्ट साहिवाल ब्रीड है काफ की, वो जो है सरोगेसी से जो है पैदा किया गया है, उसका नाम जो है पद्मावती रखा गया है, और इंडिया की फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग जो है वो होने वाली है दुबई के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आर्टेमिस एकॉर्ड जो है वो साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जब प्राइम मिनिस्टर जी यूएसए के अंदर गए थे। आर्टेमिस एकॉर्ड जो है ये एक पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप स्पेस है दोस्तों, याद आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पर्सनल मिनिस्ट्री अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू कलेक्शन ऑफ कोर्सेज कॉल्ड दक्षता। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षता जो है एक कलेक्शन है कोर्सेज का, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, पर्सनल मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया, दक्षता की फुलफॉर्मेंट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है लॉन्च किया गया है, याद आपको रखना है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने जो है एक एग्जीबिशन लॉन्च किया है, हमारी भाषा हमारी विरासत, 75th इंटरनेशनल आर्काइव डे के ऊपर, तो ये एक दो फैक्ट और इसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका, ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को जो है प्रधानमंत्री जी ने दो स्कीम्स लॉन्च की है, अमृत धरोहर और दूसरा है मिस्टी। मिस्टी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। अमृत धरोहर जो है इसमें रामसर साइट्स को जो है कंजर्व करने की बात इसमें की गई है दोस्तों। उसके बाद मिस्टी का जो एम है वो है रिस्टोर और प्रोटेक्ट करना मैंग्रोव इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर, और मैंग्रोव जो है क्रूशियल रोल अदा करते हैं थ्रेट पोज्ड बाय राइजिंग सी लेवल एंड साइक्लोन्स, राइट। उसके बाद इसकी जो फंडिंग है 80% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट करेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शांति लाकरा जो है एक नर्स है इंडिया से, जिनको सेलेक्ट किया गया है एज अ फाइनलिस्ट एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए, नाम याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, ज्ञानपीठ अवार्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो दामोदर मोजो जो है एक गोवा के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1965 के अंदर जी शंकरा कुरूप को दिया गया था मलयालम लैंग्वेज के अंदर, और मोजो जो है वो सेकंड व्यक्ति हैं गोवा से, और पहले थे रविंद्र केलकर, ठीक है, जिनको 2008 में दिया गया था। मोजो को जो है अलग अलग अवार्ड्स और भी दिए गए हैं, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री एंड द पद्म भूषण। ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ साहित्य अकादमी एंड द गोवन कोंकणी अकेडमी, ठीक है। ये आप कुछ डिटेल्स और देख सकते हो ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, INS मगर डीकमीशन इन कोची। क्वेश्चन आपका आएगा, कौन सा इंडियन नेवल शिप है जो हाल फिलहाल में डीकमीशन किया गया है, तो डायरेक्ट नाम याद रखना है INS मगर, ठीक है। उसके बाद एक दो और इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन डेफिनेटली आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अमित शाह जी ने 10 अप्रैल को लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है कहाँ से शुरू किया गया है, तो किबूथू
ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है इंडिया के अंदर, ये आपका इंडिया का मैप है जैसे कि आपको पता होगा फॉर एग्जांपल। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, मतलब बुरा मत मानना मैप के लिए बट जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईस्टर्न मोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे किबूथू जो है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ से जो है लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है जिसका नाम है आपका इंडो थाई कॉर्पेट, और बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अंदर जो है इंडियन नेवल शिप केसरी ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आपका गजराज कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत। क्वेश्चन पूछा जाएगा जल राहत एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसने जो है कंडक्ट करवाई है? तो नाम याद रखना, इंडियन आर्मी ने कराई है, गजराज कॉर्प्स। ठीक है, और इसमें जो है हगरामा ब्रिज जो मानस रिवर के ऊपर है यहाँ पे जो है एक्सरसाइज कराई गई है। इसके अंदर अलग अलग फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था आपका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका टू ऑनर द सेक्रीफाइस एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कर्मयोगीज इन द नेशन बिल्डिंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है लॉन्च किया है ऑन 64th BRO डे सेलिब्रेशन के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट 75, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे जो है इंडियन नेवी की जो छठी और फाइनल कलवरी क्लास की सबमरीन है वागशीर जो है, इसके जो है सी ट्रायल जो है शुरू कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा, ये छह अलग अलग नाम है, कलवरी, खांडेरी, खाराज, वेला, बागीर, वागशीर। ठीक है, इनमें से पूछेंगे कि कौन सा जो है सबमरीन इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये पूरी डिटेल मैंने इसके अंदर डाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, PDF के अंदर से डिटेल में वो पढ़ के जरूर जाना, एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और प्रोजेक्ट 75 जो है इंडियन नेवी का जो है स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन इंडियन नेवी के अंदर जो डेवलप की जा रही है उससे रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अलग अलग कंपनीज के चैटबॉट हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी का जो है चैटबॉट है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो गूगल का चैटबॉट का नाम है बार्ड, ओपन AI के चैटबॉट का नाम है ChatGPT, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना लॉन्च किया है जो कि है आपका माइक्रोसॉफ्ट AI। ठीक है ना, उसके बाद एक टाइग्रेस थी जिसका नाम है टाइग्रेस MT4, जिनकी मौत जो है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व के अंदर होगी है, ये आपको नाम याद रखना है बस। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अंदर है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है कोटा राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट आपका COP28 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023, तो आपको याद रखना है कि ये जो है होने वाला है आपका UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर COP28। ठीक है ना, जगह का नाम है शर्म अल शेख इजिप्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, COP27 जो है वो इजिप्ट के अंदर हुई थी लास्ट, जो आपकी 2022 के अंदर हुई थी, 23 में ये जो है UAE के अंदर होगी। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी जो है लॉन्च किया है, सारथी की फॉर्म है स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। नाम पूछेंगे NEP सारथी जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या फिर कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, तो UGC ने लॉन्च किया, याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के देगाना जो है एक जगह है, और कश्मीर की रेसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है लिथियम के रिजर्व जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये जो दिगाना लिथियम रिजर्व हैं ये आपके अजमेर और नागौर के बीच में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका जम्मू और कश्मीर लेक कंजर्वेशन और मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने डिस्कवर की एक रेयर टाइप की फिश जिसका नाम है एलिगेटर गार, ये जो है श्रीनगर की डल लेक के अंदर जो है देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एलिगेटर गार नाम की एक फिश है वो कौन सी लेक में जो है देखने को मिली है, वो ऑप्शन देंगे आपको वुलर लेक, डल लेक, इस तरीके से। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका लिबियन पार्लियामेंट ने जो है एक्सपेल किया है PM फाथी बशागा को। ठीक है, इनको जो है पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से जो है इनको वहाँ से जो है निकाल दिया गया है। तो नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट ने जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है हटा दिया बेसिकली। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया था फ्रांस के अंदर। 14 जुलाई को जो है बेस्टिल डे परेड जो है पेरिस के अंदर होने वाली थी, उसके अंदर जो है इनको इन्वाइट किया गया था। तो याद रखना है बेस्टिल डे परेड जो है वो फ्रांस के अंदर हुई है, और इसी टाइम के आसपास जो है प्रधानमंत्री जी को जो है फ्रेंच का जो है हाईएस्ट ऑनर भी जो है दिया गया है। ठीक है, सेंगोल के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंगोल के बारे में कि सेंगोल जो है कौन से एरा से बिलोंग करता है। सेंगोल बिलोंग करता है चोला एरा से, जो कि सेक्रेट सिंबल ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, चोला किंग्स की लेजिटिमिटी को शो करता है ये। ठीक है, उसके बाद जो है सेंगोल को जो है ब्रिटिशर्स ने 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया था, उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और ये जो है हाल फिलहाल आई थिंक अलाहाबाद के किसी म्यूजियम के अंदर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है वो किसको दिया गया है, तो याद रखना है एलेक्जेंड्रा कोरोप, एक इंडिजिनस
मुंदकुरुकु वुमेन है, ब्राजीलियन अमेजन फॉरेस्ट की इनको दिया गया है। 68 फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म जो है वो है आपकी बेस्ट एक्टर जो है राजकुमार राव है, बधाई दो के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट जो है बेस्ट एक्ट्रेस है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी है, ये आप देख सकते हो, एक दो नाम हो रहे हैं, इनको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सोनम वांगचुक, इनको जो है संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन प्राइज़ जो है दिया गया है, जिसमें 1 करोड़ का जो है प्राइज़ है, और ये लेट संतोखबा दुर्लाकिया जो है मदर ऑफ SRKF श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन के फाउंडर जो हैं गोविंद ढोलकिया जी हैं, उनकी माता जी हैं, ठीक है। वांगचुक जो है इन्वेंटर है आइस तूपा टेक्निक के, जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है बना सकते हो, जिसकी मदद से आप लद्दाख रीजन के अंदर से, ठीक है। उसके अलावा भी इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दलाई लामा जी को जो है 1959 का जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया है, और इसको जो है रेमन मैग्सेसे को जो है नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया बोला जाता है। अब ये 64 साल के बाद जो है इनको ये दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसको दिया गया है हाल फिलहाल में, तो याद रखना है दलाई लामा जी को। और पूछेंगे अगर पहला फर्स्ट रेमन मैग्सेसे किसको दिया गया था, वो दिया गया था 1958 के अंदर विनोबा भावे को, ठीक है, इंडिया के ही हैं ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका नासा ने अपॉइंट किया है अमित श्रिया को, जो कि मून टू मार्स प्रोग्राम के जो है इंचार्ज रहेंगे। हाल फिलहाल में जो है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, जिनका नाम MD शहाबुद्दीन है, इन्होंने ओथ ली है। वेटरन फ्रीडम फाइटर हैं, जूरिस्ट है, पॉलिटिशियन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो है वो आपको बताना है कौन है, वैसे मैं ही बता देता हूँ, शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। भारत बायोटेक ने जो है वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल COVID-19 वैक्सीन जो है INCOVAC जो है वो डेवलप किया है, जिसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी जो हैं भारत बायोटेक को दिए गए हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जी को 2 हाईएस्ट अवार्ड जो हैं हाल फिलहाल में मिले हैं। पहला है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये मिला है फ्रांस की तरफ से। दूसरा है आपका ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू GCL, ये मिला है पापुआ न्यू गिनी की तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका MCC के बारे में अगेन एक न्यूज़ है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है जिनके अंदर ऑनररी लाइफ मेंबरशिप मिलती है क्लब्स के मेंबर्स को। 5 इंडियन प्लेयर्स को इसमें मिली है, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिथाली राज और जुलन गोस्वामी, ठीक है। न्यूजीलैंड बोर्न किम कोटन जो है बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट इन अ मैन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, इनको जो है ये एक अंपायर बनी है, नाम है किम कोटन, बिलोंग करती है न्यूजीलैंड कंट्री से। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कौन सी पहली एम्पायर है T20 इंटरनेशनल मैच के अंदर, तो नाम याद रखना है किम कोटन, ठीक है। अभी एक न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट आपकी पेरू के रिगार्डिंग, 2 न्यूज़ है बेसिकली पेरू के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में। फीफा ने जो है विड्रॉ किया है पेरू से, कि पेरू ने बोला था कि हम जो है फीफा Under-17 वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे 2023 मेन का, लेकिन फीफा ने पाया कि पेरू जो है वो रेडी नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, तो पेरू ने जो है ये मेंबरशिप पेरू से छीन के फीफा ने ये मेंबरशिप दी है इंडोनेशिया को। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया जो है ऑफिशियली अब होस्ट करेगा Under-17 वर्ल्ड कप ऑफ फीफा, ठीक है। एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया के रिगार्डिंग, माउंट मेरापी है एक एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया के अंदर, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनो जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेंगे, और इंडोनेशिया जो है लोकेटेड है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर। इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है वो है नुसांतरा, जो कि 2024 के अंदर इसका इनोग्रेशन होने वाला है, ठीक है। नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने नाम अनाउंस किए हैं 4 एस्ट्रोनॉट के, जो कि मून के साइंस एंड एक्सप्लोरेशन मिशन के ऊपर, जिसका नाम है Artemis II मिशन, उसके ऊपर जाएंगे। नाम अलग अलग हैं, नाम याद रखने हैं, रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना हेमोक कोच फ्रॉम नासा और जेमी हैंसन फ्रॉम CSK। नाम के उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कौन सा बंदा इसमें से कनाडा का है, ठीक है। तो जेरेमी हैंसन जो है वो कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हैं, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति हो सकते हैं या ये व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। एक इनमें लेडी है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और क्रिस्टिना हेमोक कोच जो है ये जो है फर्स्ट एवर फीमेल है जो इस मिशन के अंदर जो है जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इसको ढंग से। चलिए नेक्स्ट है आपका साइक्लोन इल्सा, पावरफुल स्ट्रॉम हिट्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पूछेंगे कि साइक्लोन इल्सा जो है इसने कौन से कंट्री को जो है हिट किया है, अलग अलग कंट्री के नाम दे देंगे, तो नाम याद रखना है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग की जो है इसके अंदर एक गोल्ड मेडल इंडिया में का जीता है अमन सहरावत ने, ठीक है, याद रखना है नाम। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है 2023 का।
डिंग लिरेन जो है 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं, फर्स्ट पर्सन है चाइना से जिन्होंने रूस के यान नेपोमिनटिची जो भी इनका नाम है इनको हराया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। देखिए मैंने क्वेश्चन सभी के सभी वही इसके अंदर डाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा कि रैंडमली डाल दिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10th एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन श्रीलंकन बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 ये जो है कोलंबो में आपकी हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्लीनेक्स जो है किन दो कंट्री के बीच में हुई। अब आधे तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो इजिली। स्लीनेक्स स्लीनेक्स को अगर आप डिकोड करोगे तो SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और X से एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्रीन जो है पार्टिसिपेट किया था, याद रखना है नाम। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और US एयरफोर्स ने जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कोप इंडिया कलाईकुंदा एयरबेस के अंदर जो है आपकी स्टार्ट की है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देख पढ़ लेना एक बार इसे। चलिए नेक्स्ट है आपका अमोगा 3 इज अ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिजिनसली डेवलप इसको किया गया है और DRDO के द्वारा। बाकी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, इंडियन आर्मी की एक कमांड है जिसके अंदर लार्ज स्केल एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है एक्स कवच जो है एक करवाई गई है, और ANC इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया, याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, मैं अपने डिफेंस के लेक्चर्स के अंदर ये ऑलरेडी फाउंडेशन बैच में कवर करा चुका हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस आर अंडरटेकिंग देयर लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री डील्स नोन एज बलिकातन, नाम याद रखना है, साउथ चाइना सी और ताइवान स्टेट के बीच में होने वाली है। ठीक है, इंडिया जो है 250 परले ब्लास्टिक मिसाइल जो है परचेज करने वाला है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए। परले मिसाइल जो है क्वासी ब्लास्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है दोस्तों, जो कि 150 से 500 किलोमीटर दूर तक की जो है स्ट्राइक रेंज रखती है, 350 से 700 केजी का एक्सप्लोजिव कैरी कर सकती है, और DRDO ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन कावेरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सूडान से जो है इंडियन सिटीजन्स को है वापस लाने के लिए जो है इवैक्यूएशन मिशन जो है कंडक्ट किया गया था। इसका जो कैपिटल है सूडान का वो है खार्टूम, करेंसी है सूडानीज पाउंड। इंडिया की तरफ से 2 C-130S एयरक्राफ्ट जो है भेजे गए थे, और एक नेवल शिप INS सुमेधा जो है वो भेजा गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि INS सुमेधा जो है, सॉरी कौन सा इंडियन नेवल शिप को भेजा गया था, तो नाम याद रखना INS सुमेधा। इसी तरीके का एक ऑपरेशन हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, जिसमें यूक्रेन से हमने जो है अपने स्टैंडर्ड सिटीजन्स को जो है बुलाया था। आप देखोगे इन सब के नाम जो है उसके, जैसे कि आपका ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन गंगा है, ये सब रिवर्स के नाम के ऊपर जो है आपका हम ऑपरेशंस के नाम जो है यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री सूडान को के बॉर्डर को टच नहीं करती है, तो ये भी आप एक बार नाम याद रख लेना। इजिप्ट करती है, लीबिया करती है, चड करती है, रिपब्लिक सेंट्रल साउथ सूडान इथोपिया और एरिटेरिया करती है। ठीक है, जिबूटी नहीं करती है, याद रखना है। चलिए उसके बाद रिवर कावेरी के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में भी। नेक्स्ट है आपका बाशोली पेंटिंग एंड लद्दाख वुड क्रेविंग गोट GI टैग, ये दोनों लद्दाख की हैं, याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। MP's का हैंडीक्राफ्ट है उसको GI टैग मिला है, और मना मदुराई पोटरी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है इनको जो है GI टैग मिला है। उसके बाद नया यूरेनियम का आइसोटॉप डिस्कवर किया गया है, जो कि आपका यूरेनियम 241 जिसका एटॉमिक नंबर है 92। एक न्यूक्लियर फिजिक्स जो जापान के हैं उनके द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया है। 40 मिनट की इसकी जो है लाइफ है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप है जो कि नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, यूरेनियम 234, 35 एंड 238। जो दूसरे हैं वो नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते, इनको हम खुद से जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसरो और नासा ने जो है जॉइंटली एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, फुल फॉर्म भी जो है पूछा जा सकता है, ऑलरेडी CAPF 2023 के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश का गांधी सागर सेंचुरी जो है इसको चीता जो कि आपके हमने लिए थे अफ्रीका से और आपके नामीबिया से, उनके लिए नया घर इनको देने जा रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद रिवर चंबल जो है इस सेंचुरी के थ्रू जो है पास करती है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव जी ने जो है टॉलेस्ट अंबेडकर का जो स्टैचू है वो इंडिया के अंदर जो है लॉन्च किया है, मतलब इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है ये आपको याद रखना है,
ये किया गया है आपका तेलंगाना के अंदर। इस सबसे इम्पोर्टेंट है इसको किसने डिज़ाइन किया है, ये तो देखो सबको पता होगा, हर यूट्यूब की वीडियो में आपने देखा होगा कि तेलंगाना सीएम ने लॉन्च किया है, स्टैचू को लॉन्च किया है, इतना टोल है, ये वो, ये कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा डिज़ाइन किसने किया था। तो नाम याद रखना है राम वंजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार ने, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि इन्होंने ही जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अंदर जो स्टैचू है उसके डिज़ाइनर भी यही थे। मतलब तो स्टैचूज जितने भी आपके डिज़ाइन होते हैं बड़े बड़े लेवल पे, वो राम वंजी सुतार जो हैं ये इनको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्टी फर्स्ट मेंबर जो है नाटो का बना है फिनलैंड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है 31st मेंबर बनी है नाटो की, तो याद रखना है फिनलैंड, ठीक है। और टर्की ने यूनैनिमस वोट किया था फिनलैंड को कि इनको जो है नाटो के अंदर मिला लिया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिनलैंड के हेलसिंकी जो है इसकी कैपिटल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिलेगा, लेक लडोगा जो है ये भी रशिया के अंदर इसके पास में आपको देखने को मिलेगी, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद स्वीडन ने भी बोला था कि हमको भी नेटो में मिला लो, बट टर्की और हंगरी ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। नेटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है एस्टेब्लिश बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसको जो है अगेंस्ट बनाया गया था सोवियत यूनियन के, पहले सोवियत यूनियन हुआ करती थी उसके अगेंस्ट में जो है नेटो को बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है दोस्तों। WHO ने सर्टिफाई किया है अजरबैजान और ताजिकिस्तान जो है वो मलेरिया फ्री कंट्रीज बन चुके हैं। इंडिया को जो है इलेक्ट किया गया है UN स्टैटिकल कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है इंडिया का टर्म 1 जनवरी 2024 को शुरू होगा। UN स्टैटिकल कमीशन जो है हाईएस्ट स्टैटिकल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज मोजाम्बिक क्यू। क्वेश्चन पूछेंगे बुजी ब्रिज जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो मोजाम्बिक क्यू में है, याद रखना है आपको, ठीक है, पढ़ लेना, बाकी एक दो लाइनें और हैं। इंडिया ईरान और आर्मेनिया जो है एक नया ट्राइलेटरल रीजनल रिलेशन जो है बनाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा क्वाड लीडरशिप समिट जो कि सिडनी में होने वाली है, ऑलरेडी हो चुकी है, मई के अंदर होनी थी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने इसको फर्स्ट बार जो है इस समिट को जो है होस्ट किया था। क्वाड जो है स्टैंड करता है, क्वाड की फुल फॉर्म में क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑलरेडी CAPFAC 2023 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, जिसके मेंबर्स हैं US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन में दिया गया था कि फ्रांस भी इसका मेंबर है, तो याद रखना है फ्रांस नहीं है, जापान इसका मेंबर है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रामचंद्र पोल, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल जो है ये बने हैं, इनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रिगजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 में ये मिला है डेविड चिपरफील्ड को, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने न्यूएस म्यूजियम जो है बर्लिन के अंदर जो है बनाया है, ठीक है। इससे पहले वाला जो है डिबिडो फ्रांसिस केरे हैं, इनका नाम आप याद रख लेना, बुर्किना फासो जर्मनी से जो है बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एबेल प्राइज जो है 2023 का, जो कि एक मैथमेटिक्स के लिए अवार्ड दिया जाता है, अर्जेंटीना अमेरिकन लुइस कैफरली को जो है दिया गया है, याद रखना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कितने सारे हमने न्यूज़ पढ़ी है, आप देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूँ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका सरस्वती सम्मान एनुअल अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोइट्री लिटरेरी अवार्ड है, जो कि 22 लैंग्वेजेज इंडिया की जो कि शेड्यूल 8 के अंदर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए दिया जाता है। हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती के नाम पर जो है सम्मान का नाम रखा गया है। तमिल राइटर शिव शंकरी को जो है 2022 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सूर्यवंशम इनकी एक बुक है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 32nd सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, इनकी एक बुक है सूर्यवंशम, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। कौन देता है, KK बिरला फाउंडेशन देती है। पहली बार किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में दिया गया था, 15 लाख कैश प्राइज होता है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है KK बिरला फाउंडेशन, यहाँ पे आपने देखा ना KK बिरला फाउंडेशन, यही फाउंडेशन एक और अवार्ड देता है, ठीक है, जिसका नाम है व्यास सम्मान, ठीक है। 32nd व्यास सम्मान जो है ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। फर्स्ट रेसिपिएंट जो है इसके थे रामबिलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषण परिवार और हिंदी, इसके लिए
क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32nd व्यास सम्मान जो है वो दिया गया था कौन से नॉवल के लिए। पागलखाना नॉवल है इनका, ये देख सकते हो आप, इसके लिए इनको दिया गया था, ठीक है। और कौन कौन से अवार्ड्स हैं, जो पुरस्कार हैं, जो के बिरला फाउंडेशन देता है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो है, इस तरीके के सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। ये एक आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी अवार्ड है जो कि इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, जो कि लास्ट के 10 साल में उन्होंने जो भी कार्य किए उनके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023, ठीक है। ये जो है केपटाउन में आपका हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी चैंपियन बनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले कितनी बार चैंपियन बन चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। इंडिया जो है रनर अप एक टाइम रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन 2024 का होने वाला है बांग्लादेश में, 26 का होने वाला है इंग्लैंड के अंदर, याद रखना है आपको दोस्तों। और ये वाला जो हुआ था 2023 का साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी टीम जो है जीती है इन्होंने 13th हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच स्टेट्स टीम वॉन वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश ने जीता है, कहाँ पे हुई थी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी। लियोनल मेसी ने जो है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। 2022-23 ईरानी कप, जिसका 59th एडिशन था ईरानी कप का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन है इंडिया के अंदर। इट वॉज प्लेज एज अ वन ऑफ मैच बिटवीन मध्य प्रदेश द विनर ऑफ 2021-22 रणजी ट्रॉफी एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, ये वो रेस्ट ऑफ इंडिया इज द विनर ऑफ ईरानी कप 2022-23, याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हॉकी इंडिया हैज़ अपॉइंटेड क्रेग फुलटन ऑफ साउथ अफ्रीका इज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कांगड़ा टी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गॉट यूरोपियन GI टैग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी चीज वस्तु को जो है यूरोपियन GI टैग मिला है। पूछेंगे, बोलेंगे कि कांगड़ा टी को मिला है, या इसी तरीके के 2-3 चीज़ें और दे देंगे, तो याद रखना है ये इंडिया GI टैग नहीं है, ये यूरोपियन GI टैग है दोस्तों। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द प्रोटोटाइप वर्जन ऑफ पाम 400 ड्रोन। पाम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, प्रिसीजन अटैक लॉयटरिंग म्यूनिशन। ये एक लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन जो है ड्रोन है, याद रखना है, और भी 3-4 फैक्ट इसके बारे में दिए गए, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने जो है लॉन्च किया है INS एंड्रोथ, इसके बारे में जो है डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। इसरो ने जो है एक एनुअल स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, इसका नाम है युविका। युविका की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछेंगे कि युविका प्रोग्राम जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, इसरो ने किया है, DRDO ने किया है, इन्हें नाम ही ने, इस तरीके से, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका आदर्श कुमार गोयल जी जो कि प्रिंसिपल बेंच के हेड हैं NGT के, इन्होंने 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है केरला गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने देखा कि वेमनाड और अस्तामुड़ी लेक जो कि एक रामसर साइट्स भी हैं उनके ऊपर जो है इनडिस्क्रिमिनेट पोल्यूशन जो है गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। PM मोदी जी ने जो है वन वर्ल्ड TB समिट जो कि वाराणसी में आपकी हुई थी, उसमें डिक्लेयर किया था कि हम 2025 तक जो है इस TB प्रोग्राम 2025 तक जो है हम TB को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बोलता है कि आपको 2030 तक करनी है, ठीक है। इंडिया ने बोला है कि हम 25 तक ही कर देंगे, ठीक है। वर्ल्ड TB डे जो है मार्च 24 को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, तो ओरिजिनेटेड ऑफ द नॉर्थ नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बिकम अ नेम्ड स्ट्रॉम, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी वॉज नेम्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मीटियोलॉजी, नाम पूछ सकते हैं, याद रखना है, ठीक है जी। अगेन माउंट मेरापी जावा आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर है, ये भी आप देख सकते हो, 2-4 फैक्ट है, बहुत बार पूछा है यार माउंट मेरापी पे तो अलग अलग एग्जाम के अंदर, ठीक है। रेड टाइड ऑन द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड टाइड जो है वो कहाँ पे देखने को मिला है, कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के ऊपर देखने को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 हाईएस्ट जो रैंक है वो है फिनलैंड का पहला नंबर, डेनमार्क, आइसलैंड, इंडिया का 126वां नंबर है विश्व खुशी रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपका सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स, अलग अलग पोर्ट्स को जो है ये अवार्ड दिया जाता है, पोर्ट जो कि आपके जहाँ से आपका सामान इधर उधर होता है,
ठीक है, ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं कार्गो हैंडल के मामले में जो है दीनदयाल पोर्ट को दिया है। इंपॉर्टेंट है इसमें टर्न अराउंड टाइम, नॉन कंटेनर पोर्ट कोचिन पोर्ट है, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ALS-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ALS-50 क्या है, याद रखना है ड्रोन है इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इसको जो है बनाया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन है, ठीक है। ALS-50 बुलंद भारत जो है एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि कंडक्ट करवाई गई है लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज के ऊपर ईस्टर्न थिएटर कमांड में, ठीक है। इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट करवाया दोस्तों, याद रखना है, जिसके अंदर अलग अलग फोर्सेज पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशल फोर्स है, एविएशन है, CAPF है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी लाइफ ऐप, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिशन लाइफ आपके एग्जाम में पूछा सकता है, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, डेफिनेटली पूछा जाएगा। मिशन लाइफ फुल फॉर्म है लाइफ की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, बहुत न्यूज़ में है दोस्तों। इसका जो मेन पर्पस है वो है बिहेवियरल चेंजेस इन इंडिविजुअल थ्रू सिंपल एंड एक्शनेबल स्टेप्स। नेक्स्ट है आपका तेजस MK-1, इंडिया ने जो है इंडिजिनसली डेवलप किया था फाइटर एयरक्राफ्ट, और उस फाइटर एयरक्राफ्ट ने जो है 7 साल पूरे कर लिए अपनी सर्विस के अंदर इंडियन एयरफोर्स में, और इसको जो है 2016 में इंडक्ट किया गया था। ये जो है बनाया गया है HAL के द्वारा, फुल फॉर्म बताना है HAL की क्या होती है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है एक वर्ड जो है बहुत डिजिटल वर्ल्ड में फैल रहा है, इसका नाम है डार्क पैटर्न्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डार्क पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है। तो डार्क पैटर्न्स जो हैं आपका बहुत सारे ऑनलाइन उसमें आप देखोगे वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में डार्क पैटर्न्स नाम का एक कीवर्ड आपको फैलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको कॉइन किया था हैरी ब्रिंगनुल ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मो जंगल यामी योजना, ये जो है योजना लॉन्च की गई है उड़ीसा के स्टेट के द्वारा, और ये है ट्राइबल राइट्स ऑफ सॉरी फॉरेस्ट राइट ऑफ ट्राइबल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका साइंटिस्ट एम्बार्क ऑन एक्सपीडिशन ऑन बोर्ड इंडियाज रिसर्च वेसल सागर निधि, तो नाम आपको याद रखना है। अलग अलग साइंटिस्ट, कोई बांग्लादेश से है, मॉरिशियस से है, रिसेंटली जो है उन्होंने इंडिया के रिसर्च वेसल सागर निधि के साथ पार्टिसिपेट किया है ज्वाइंट ओशन एक्सपीडिशन के अंदर, ठीक है। टेलर ग्लेशियर पूछ सकते हैं आपके कहाँ पे है, तो टेलर ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका के अंदर है। एक स्टनिंग फिनोमिना जो है यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे ब्लड फॉल्स के नाम से जो है पानी आपको देखने को मिलेगा, ये जो है बेसिकली रेड कलर का पानी है, तो ऐसा लग रहा है कि इससे पानी के अंदर किसी ने खून मिला दिया हो, तो इस चीज़ की वजह से ये न्यूज़ में था, तो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा CMV and TOMV जो है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो याद रखना है टोमेटो के जो प्रोड्यूसर्स हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं दो वायरसेस की वजह से। वायरसेस का नाम है क्यूकम्बर मोजेक वायरस और टोमेटो मोजेक वायरस, ठीक है। पूछ लेंगे कि ये CMV और TOMV क्या है, तो ये वायरस हैं जो कि वेजिटेबल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है आपका UNCTAD's वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि लॉन्च किया है, किसने रिलीज़ किए लिस्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ये जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। इसके अंदर किस कंट्री का जो है हाईएस्ट FDI किस कंट्री को मिली है उसके बारे में बताती है, तो इंडिया का जो रैंक है वो 7th है, USA को जो है पहले नंबर पे मिली है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज साल्वेक्स, पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज साल्वेक्स जो है किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है, तो याद रखना है इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में हुई है, कहाँ पे हुई है, कोची के अंदर हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पेरू जो है रिसेंटली पेरू ने जो है एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है एक सिंड्रोम की वजह से, जिसका नाम है ग्यूलियन बेरी सिंड्रोम, GBS सिंड्रोम के नाम से जो है जाना जाता है। पेरू की कैपिटल जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। लंबानी आर्ट न्यूज़ में है, बेसिकली एक एम्ब्रॉयडरी का जो है ये आर्ट फॉर्म है, कहाँ पे देखने को मिलता है, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है, न्यूज़ में था, पूछा जा सकता है। मून के ऊपर जो है ग्रेनाइट्स की रॉक जो है देखने को मिली है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी रॉक जो है मून के ऊपर फाइंड आउट हुई है, तो ग्रेनाइट रॉक जो है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना इन्यूकस एक्ट, ये न्यूज़ में था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और स्ट्राइक डाउन किया गया है, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा सॉरी कोर्ट के द्वारा। ये जो है राइट्स को जो है इन्फ्रिंज करता था ट्रांसजेंडर्स इंडिविजुअल्स के, और अंडरमाइन करता था देयर इक्वलिटी एंड प्राइवेसी को, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कास्ट प्लेट्यू, काफ़ी न्यूज़ में था कास्ट प्लेट्यू, क्वेश्चन पूछा जाएगा कास्ट प्लेट्यू जो है वो कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र के अंदर, यूनेस्को हेरिटेज साइट है,
सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इंडिया ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू एंड स्प्रिंटर एमवी जिलना, इनको जो है बैन कर दिया गया है नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ट्रिपल जंप से। ठीक है, ऐसा ही केस एक और देखने को मिला था, नाडा ने जो है किसको और बैन किया है, संजीता चानू को जो है बैन किया है 4 साल के लिए, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, 2 टाइम कॉमनवेल्थ विनर भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 टाइम रेसिपियंट ऑफ केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड नोटिस्ड ऑथर सारा थॉमस जो है इनकी डेथ हो गई 88 ईयर्स की एज में। तारिक फतेह जो है पाकिस्तानी कनेडियन जर्नलिस्ट हैं, ये भी जो है इनकी डेथ हो गई है, ये एक एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेलकॉम अधिशेषिया अवार्ड जो है किसको दिया गया है, उत्साह पटनायक जी को जो है ये अवार्ड दिया गया है, नाम याद रखना है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग, पहली वुमेन प्रीमियर लीग जो है इसका फाइनल मैच जो है बारबन स्टेडियम नवी मुंबई के अंदर जो है खेला गया था, विनर जो है मुंबई इंडियंस हैं, रनर अप जो है दिल्ली कैपिटल हैं, उसके बाद देख लेना ऑरेंज कैप वैप आई डोंट थिंक सो एक पूछेगा आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ था मैच, तो नवी मुंबई में हुआ था, विनर जो है मुंबई इंडियंस है। चलिए नेक्स्ट है आपका DRDO ने जो है सक्सेसफुली अग्नि प्राइम ब्लास्टिक मिसाइल को जो है टेस्ट किया है। अग्नि प्राइम जो है एक मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, 1000 to 2000 किलोमीटर्स की रेंज है, DRDO के द्वारा डिज़ाइन की गई है और अग्नि 1 और 2 की सक्सेसर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका INS कृपान, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कि INS कृपान जो है इंडिया ने कौन सी कंट्री को गिफ्ट किया है। ठीक है, तो गिफ्ट किया है हमने वियतनाम को, या पूछेंगे कि वियतनाम को जो है कौन सा इंडियन नेवल शिप जो है गिफ्ट किया गया है, तो यह नाम याद रखना है INS कृपान। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे पे नेवल शिप जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर अलग अलग पोर्ट्स को विजिट किया था, वसुदेव कुटुंबकम एक थीम के ऊपर जो कि योगा डे के आसपास जो है मनाई गई थी, और ये इनिशिएटिव जो है ओशियन रिंग ऑफ योगा के नाम से जो है फोस्टर हार्मनी अमंग द नेशंस के लिए है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया के अंदर जो है ये कंडक्ट की गई थी। ठीक है, और मल्टीलेटरल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, इंडिया मंगोलिया की एक एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट आपका डेनिस फ्रांसिस ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है 78th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली का। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है ये बहुत छोटा सा कंट्री है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेनेजुएला के जस्ट साइड में है। ठीक है, कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, याद रखना है नाम। UN जनरल असेंबली जो है फॉर्मेशन इसका 1945 में हुआ था, न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर है और 1 of the 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सिंबल जरूर देख लेना आप, जहाँ पे भी ये सिंबल मिले मतलब वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बालासोर ट्रेन का एक्सीडेंट। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, कौन कौन सी ट्रेन इसमें इंडल्स थी, तो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल गुड्स ट्रेन ये सब थी, और भी दो दो तीन तीन लाइन्स इसमें दी गई हैं, पढ़ लेना आप इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपका इंडिजिनस एंटी कोलाइजन सिस्टम कवच, ये जो है रेल एक्सीडेंट को जो है प्रिवेंट करता है दोस्तों, और एक मिशन रफ्तार है, ये एक मिशन है जो कि स्पीड बढ़ाने के जो है काम आता है। ठीक है, इंडियन रेलवे का मिशन है। नेक्स्ट आपका 5 जून 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 की, 2022 की थी ओनली वन अर्थ, होस्ट सिटी जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इस बार थी कोट दे आइवोरे। ठीक है, कैपिटल है एबिडजान, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोट दे आइवोरे जो है कौन सी इनकी कंट्री जो है सराउंड इसको करती है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है इंडिया हैज़ प्रपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्लोबल अलायंस कॉल्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट द 7 major बिग कैट्स इंक्लूडिंग टाइगर लायंस एंड चीताज। अलग अलग कौन कौन से वो हैं इसमें 7 प्रजातियां, लायन टाइगर चीता जगुआर स्नो लेपर्ड प्यूमा लियोपार्ड। ठीक है, लियोपार्ड याद रखना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट आपका मीरा, इंडिया प्रपोज ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। ठीक है, ये जो है कनेक्ट करता है मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये 3-4 फैक्ट और इसके बारे में, मिलेट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ज्वार बाजरा रागी ये सब जो है मिलेट्स के अंदर आते हैं, न्यूट्री सीरियल्स हैं और काफ़ी प्रोटीन वगैरह जो है इनके अंदर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका G20 बहुत न्यूज़ में है, G20 तो इंडिया जो है इस बार G20 का प्रेसिडेंसी जो है कर रहा है, कौन कौन सी कंट्री G20 के अंदर हैं तो आप वो देख लेना एक बार। ठीक है,
थीम जो है G20 की इस बार जो थी वो है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, जिसको संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं छुड़वाऊँ, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, प्लीज़ इसको पढ़ के जरूर जाइए। ये जो मैंने अभी मार्क किया है ये CAPFAC 2023 के अंदर ऑलरेडी पूछ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायो काइंड ऑफ होता है, इंडिया 2023 में इसको होस्ट कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, ब्राज़ील 2023 के अंदर करेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका नॉर्थ कोरिया रिसेंटली कंडक्टेड अ न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन टेस्ट जिसका नाम है हेल 2, ठीक है। इन अ फर्स्ट इंडियन राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशनल वॉर गेम कोडनेम्ड ओरियन विच इज बींग होस्टेड बाय द फ्रांस, ठीक है, इन्वॉल्विंग मेनी ऑफ इट्स नेटो एंड अदर इंपॉर्टेंट एलाइज। तो इंडिया की तरफ से कौन सी महिला जा रही है इसके अंदर वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फर्स्ट फीमेल फाइटर हैं एयरक्राफ्ट जो कि आपका राफेल है, उसको कौन चलाएगा वहाँ पे जाके बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्सरसाइज का नाम है इनिकोज 2023, ये जो है अंद्राविना एयरबेस ग्रीस के अंदर होने वाली है, तो नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंडिया UK मिलिट्री अजय वॉरियर जो है आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, CAPF के अंदर पूछा था कि अजय वॉरियर जो है किस कंट्री के बीच में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसराइल ने जो है सक्सेसफुली OFAC-13 जो है एक स्पाई सैटेलाइट है जिसको लॉन्च कर दिया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है सक्सेसफुली फुली 3D प्रिंटेड Dhawan-2 क्रायोजेनिक इंजन को जो है 200 सेकंड के लिए ट्राई किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लेना इसको, अलग अलग कुछ लाइनें दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप जूस मिशन ऑन April 14, 2023। द मिशन हैज़ कैरीड Ariane 5 रॉकेट फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट जो भी जगह है फ्रेंच गुयाना, यहाँ से किया है इन्होंने, ठीक है। PM मोदी जी ने जो है इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है कोची के अंदर चलाया है। संगठन थे से समृद्धि स्कीम, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन DNRLM लॉन्च किया गया है, संगठन से समृद्धि लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, ठीक है। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें आप देख लेना कौन कौन सी जो है चीज़ें इसके अंदर कवर करनी है, बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड 2-day गज उत्सव 2023, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 30 साल इसको कंप्लीट हो गए, काजीरंगा नेशनल पार्क के हाई स्कूल के अंदर जो है मनाया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है ऑल्सो एन्जॉयड कल्चरल परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग बोटाल झूमर एंड बिहू डांस ऑफ एसमीज आर्टिस्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑल्सो फ्लैग ऑफ द माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन 2023। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ जो है करंट अफेयर बनाए हैं दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बार भरोसा करके इन करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ के जरूर जाइए, डेफिनेटली बहुत सारे करंट अफेयर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। वी नीड योर सपोर्ट एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक इन CDS एग्जाम कैटेगरी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।